हेलो फ्रेंड्स, मैंने सोचा था यूट्यूब पे मैं जाके लाइव ये वीडियो डालूंगा। मैंने लाइव कोशिश भी किया था बट हुआ नहीं, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये सारी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से फिर से मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट 101 असर्शन रीज़न था, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अभी मैंने जस्ट लाइव किया था बट लाइव हो नहीं पाया, तो मैं रिकॉर्ड करके ही डाल रहा हूँ। 101 असर्शन रीज़न क्वेश्चन था, पूछा फर्स्ट गैमेटोफाइट लाइफ साइकिल मॉस का प्रोटोनिमा था। बिल्कुल सही है, प्रोटोनिमा स्पोर से आता है, हमने पढ़ा है। गैमेटोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, स्पोर से फिर प्रोटोनिमा बनता है, उसमें बडिंग होता है और मॉसेस बनते हैं, लीफी स्टेज वगैरह आना स्टार्ट होता है। तो बेसिकली दोनों ही सही है, तो ए आर सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। सेल्यूलोज ब्लू कलर आयोडीन से नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता भाई? ईजी है, स्टार्च से बनाता क्योंकि स्टार्च में कॉम्प्लेक्स हेलिक थे, इसमें हेलिक नहीं था। तो ये फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो कौन सा है? मैंगनीज विल बी द राइट आंसर। ईएसटी क्या होता है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, ये हमारे ईएसटी होते हैं। थिकनेस ऑफ ओजोन इन द कॉलम ऑफ एयर, ये भी पढ़ा हुआ है। डॉब्सन यूनिट है, एकदम ईजी क्वेश्चन आए हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। लेट्स स्टार्ट 106 उसके बाद है। तो 106 के क्वेश्चन क्या थे? गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया है, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, फिर से असर्शन रीजन यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, पहला एटीपी दो स्टेप में यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है। फर्स्ट एटीपी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में यूज होता है, फिर दूसरा फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, बिल्कुल बोथ ए एंड आर टू सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। हमने इथेडियम ब्रोमाइड यहाँ पर दिया हुआ है, इथेडियम ब्रोमाइड से कौन सा कलर आता है? तो ब्राइट ऑरेंज कलर आता है। एविल क्वार्टेट हमने पढ़ा, एविल क्वार्टेट क्या होता है, इसमें से कौन सा है? तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, हम बुराई करते हैं उसके वजह से क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज होता है, तो ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन है। 109 मियोसिस में किसमें सेंट्रोमियर, स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, तो किसमें होता है? एनाफेज 2 में, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनल पेट्यूल एलोंगेशन, ये मैं लाइव करते हुए भी मेरे दिमाग में आया, GA3, लेकिन याद रखना यहाँ पर बोला है डीप वाटर राइस में इंटरनोड एलोंगेशन हो रहा है, इंटरनोड गिबरलिन करता है नो डाउट, बट यहाँ पर बोला है डीप वाटर राइस में कौन करता है, तो इथिलीन करता है। नेक्स्ट उसके बाद 111 हमने देखा कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑफ सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप देयर पोजीशन किसने ढूंढा था, फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? तो भाई अल्फ्रेड स्टुअर्ट वर्ल्ड ने ढूंढा था, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। हाउ मेनी ATP NADPH2 यूज़ होता है कैल्विन साइकिल में? 18 ATP और 12 NADPH2 यूज़ होता है। नेक्स्ट RNA पॉलीमरेज 3 का क्या रोल है? tRNA बनाने के इसमें यूज़ होता है, बहुत ईजी था। फैमिली फैबेशी सोलेनेशी से किस एस्पेक्ट में, स्टेमिन के किस एस्पेक्ट में अलग है? तो हमने देखा डायडल्फस डायथिकस एंथर था, लाइव में आप देख लो, मैंने लाइव में किया हुआ था, लेकिन देखते हैं अभी लाइव का कल क्या होता है, वो प्रोसेस हो जाएगा, ये मैं आपको दो दिन में वीडियोज अपलोड कर दूंगा। प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑकर्स एट विच स्टेज, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, पैकेटिन स्टेज में होता है। काफ़ी रात हो गई है तो हो सकता है मैं सिर्फ बॉटनी का आज अपलोड करूँ, कल मैं जुअलॉजी का अपलोड करता हूँ। नेक्स्ट इन द इक्वेशन GPPR, बहुत ईजी क्वेश्चन, आर यहाँ पर क्या है? रेस्पिरेटरी लॉस। फोटोसिस्टम 2 जिसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम क्या है? 680 नैनोमीटर, बिल्कुल ईजी है था। यूनिकोड प्रूफ किसने दिया था? DNA जेनेटिक मटेरियल है, तो किसने दिया था? अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस। फिर स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स, कॉनिफर्स में दैट लीड्स टू द हैस्टनिंग ऑफ सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, कौन सा है भाई? गिबरलिक एसिड, कॉनिफर्स में कौन आते हैं? गिबरलिक एसिड। देखो 119 चल रहा है, हाँ अगर आप पूछोगे सेट कौन सा है, सॉरी मैं बताना भूल गया, ये सेट 6 है, सॉरी G6, कौन सा है? G6। नेक्स्ट विच ऑफ द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन द कॉर्न कॉब, याद रखो कॉर्न कॉब पूछा हुआ है, कॉर्न कॉब में टैसल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो बेसिकली ये ट्रैप करता है पॉलन ग्रेन, तो यहाँ पर आएगा हमारा थर्ड ऑप्शन टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट प्योरिफिकेशन करते वक्त रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद क्या प्रेसिपिटेट होता है भाई? DNA प्रेसिपिटेट होता है। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो एंजियोस्पर्म में हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक, हैप्लॉइड क्या था डिप्लॉइड क्या था? पहला सिनर्जिड हैप्लॉइड है, एंटीपोडल हैप्लॉइड है, मतलब नहीं होगा, सिनर्जिड हैप्लॉइड है, प्राइमरी एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, नहीं होगा, एंटीपोडल हैप्लॉइड है, सिनर्जिड हैप्लॉइड है, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड देखना है, सिनर्जिड जाइगोट प्राइमरी, दिस विल बी द राइट आंसर, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट लार्ज कलरफुल फ्रैगमेंट फ्लावर्स विथ नेक्टर आर सीन इन, किसमें नेक्टर सीन होता है?
तो भाई लार्ज कलरफुल कलरफुल भाई इंसेक्ट पॉलिनेशन, ये फ्रेग्रेंट तो इंसेक्ट में ही होता है, बर्ड को स्मेल होता ही नहीं है तो बर्ड तो हो ही नहीं सकता, विंड से बिल्ली नहीं हो सकता, तो आंसर विल बी द इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में लीफ मेसोफिल आर पुट इन कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। अगर हम लीफ के मेसोफिल सेल से कैलस बना रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? देखो लीफ के मेसोफिल में पैरेन्काइमा होता है, ये मैराथन चल रहा है इसलिए मैं काफ़ी फास्ट बोल रहा हूँ, तो लीफ के मेसोफिल सेल में ये क्या होता है, सॉरी पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा डिफरेंशिएट करके कैलस बना रहा है, मतलब डी डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट एसर्शन रीजन का एक और क्वेश्चन आया गया, भाई बहुत क्वेश्चंस एसर्शन रीजंस के आए हुए हैं, गिवन बिलो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट जाइलम के वजह से ट्रांसपिरेशन लिफ्ट करता है 130 मीटर तक वाटर लिफ्ट करता है, बिल्कुल सही है। ट्रांसपिरेशन कूल्स लीफ सरफेस समटाइम टू 10-15 डिग्रीज इवेपोरेट, बिल्कुल सही है, ये कूल करता है तभी तो कूल होता है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन रियो डी जानेरो इन द ईयर, कौन से ईयर में हुआ था भाई? 1992 में हुआ था। नेक्स्ट इन द जीन गन मेथड, जीन गन मेथड में डैश इज यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल्स माइक्रोपार्टिकल डैश मेटल आर यूज, कौन सा मेटल यूज होता है भाई जीन गन में? टंगस्टन और गोल्ड होता है। मूवमेंट मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयन अक्रॉस द मूवमेंट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किसमें होता है? एक्टिव ऑस्मोसिस फैसिलिटेड पैसिव, भाई एक्टिव में होता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्विंग, किसमें एक्साइल दिखता है भाई? देखा जाए तो चाइना रोज पेटोनिया लेमन, बिल्कुल सही दिख रहा है। मस्टर्ड कुकुम्बर, कुकुम्बर तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रिम रोज भी नहीं होगा क्योंकि कुकुम्बर में पराइटल था। चाइना रोज बीन्स, बीन्स भी तो बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ पर क्या था हमारे? तो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा चाइना रोज पेटोनिया लेमन। टोमेटो में भी देखा जाता है बट यहाँ डायंथस पी दिया हुआ है, पी तो पराइटल तो यहाँ पर टोमेटो था, बट टोमेटो यहाँ पर टोमेटो के साथ वाले गलत हैं, हमारा चाइना रोज पेटोनिया लेमन, ये तीनों सही आंसर है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। डेट्रीवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, डिकम्पोजिशन के स्टेप्स थे, बिल्कुल सही है, अर्थवॉर्म फ्रेगमेंटेशन करता है। ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग, बिल्कुल सही है, मिनरलाइजेशन करते वक्त ह्यूमस फिर से डिग्रेड किया जाता है। वाटर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉलिड गेट प्रेस, बिल्कुल सही है, लीचिंग बोला जाता है। डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विद लिविंग, गलत, डेट्रिटस फूड चेन डेड ऑर्गेनिज्म के बाद शुरू होता है। अर्थवॉर्म्स ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय प्रोसेस कॉल्ड, बिल्कुल गलत, तो हमारा ए बी सी सही है, ढूंढो भाई ए बी सी, ये वाला सही है हमारा, सही। एमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन, बायर यूकैरियोट हो प्रोकैरियोट हो रेप्लिकेशन हमेशा कहाँ होता है? एस फेज में होता है। 132 पे हम पहुँच चुके हैं। 132 स्टेटमेंट वन, एंडार्च एंड एक्सार्च आर द टर्म्स ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी, 11th में पढ़ा हुआ है। एंडार्च एक्सार्च प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम बताता है, सेकेंडरी जाइलम नहीं बताता। एक्सार्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम, बिल्कुल सही है, मतलब हमारा स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ अगर किसी को यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर ये इसके क्वेश्चंस के आंसर गलत है, मैं काफ़ी फास्ट जा रहा हूँ। द फेनोमेना ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म, अरे बहुत ईजी, प्लियोट्रॉपिज्म क्या था? प्लियोट्रॉपिज्म में एक जीन की वजह से अगर बहुत सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर दिख रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? प्लियोट्रॉपिज्म। मोर देन टू जीन्स, नहीं बाबा सिंगल जीन था। प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील, नहीं बाबा ऐसा नहीं था। प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स ईच ऑफ द टू जीन कंटेनिंग सिंगल, नहीं। सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, यस फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द हेट्रोस्पोरस, बाई सेलेजिना सेल्विनिया, ये तो रट्टा मारे हो गए आप लोग टेरिडोफाइट्स में, होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक असर्शन है दूसरा रीजन है। लेट वुड हैज फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट विद नैरो वेसल, बिल्कुल सही है, लेट वुड में कम होता है, क्यों होता है? कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स, बिल्कुल सही है, कैम्बियम उस समय विंटर्स में क्या होता है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम बहुत कम बनता है, इसके वजह से उस समय ऐसे होता है, तो लेट वुड हमारा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बेसिकली सेकेंड वाला यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, लेंटिकल्स आर द लेंस शेप ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, लेंस शेप तो मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, देखते हैं। बार्क फॉर्म अर्ली इन द सीजन आर कॉल्ड हार्ड बॉक, बार्क नहीं, ये नहीं है। बार्क इज अ टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू द ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम, बिल्कुल गलत है, बार्क फ्लोएम को बता रहा था। बार्क रेफर्स टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, या ये सही है, तो बेसिकली हमारा ए और डी अभी तक तो सही है, फेलोजन सिंगल लेयर नहीं होता, तो देखते हैं। हाँ ए और डी दिख रहा है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर एम फेज
जी टू फेज क्वेश्चन स्टेज जी वन फेज बहुत इजी है, एम फेज इक्वेशनल डिवीजन, जी टू फेज हमारा क्या होता है इनएक्टिव, सॉरी जी टू फेज में हमारे प्रोटीन्स यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहे हैं, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन स्टेज हमारा इनएक्टिव फेज है, जी वन फेज में भी प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, जी टू का अलग क्या है एक बार हम देखते हैं। ऑप्शन एम फेज इक्वेशनल डिवीजन फोर वाला ए फोर दो में दिख रहा है, बी टू को नहीं बोलते भाई, बी टू नहीं होता हमारा, सी टू है, तो सी टू हमारा ये वाला है, तो बेसिकली फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है। बी वन प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है हमारा, और जी वन फेज में डी थ्री इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए, बिल्कुल राइट है। चलो 138 देखते हैं, 138 में क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट असर्शन रीजन, बहुत असर्शन रीजन आए थे। असर्शन रीजन, जिम्नोस्पर्म में पॉलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरियम कैरिड बाय एयर करंट, बिल्कुल सही है। एयर करंट्स कैरी द पॉलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म, बिल्कुल गलत है भाई, पॉलन ट्यूब बन के ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सो बेसिकली ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट लिस्ट 1 लिस्ट 2 देखते हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ये भाई कौन कॉल कर रहा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ये हमारे आयरन हमारा एक्टिवेटर ऑफ कैटलाइज।